ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। झंझारपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, 19 नवंबर को रेलवे के पूर्वी जोन के मुख्य संरक्षा आयुक्त झंझारपुर आएंगे। वे ट्रेन चलवाकर उसकी स्थिति एवं उसकी गति का निर्धारण करेंगे। इसके बाद झंझारपुर की बड़ी रेल लाइन की पटरी पर सवारी गाड़ियां दौड़ने लगेगी। संरक्षा आयुक्त के कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को रेल निर्माण विभाग के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी ब्रजेश कुमार एवं निर्माण के मुख्य अभियंता अशोक कुमार राय ने संयुक्त रूप से झंझारपुर स्टेशन परिसर एवं झंझारपुर से मंडन मिश्र हॉल्ट तक पटरियां का निरीक्षण किया। स्टेशन पर दोनों अधिकारी अब तक के कार्य से असंतुष्ट दिखे। स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान जूनियर अभियंताओं को उन्होंने कहा कि 3 नंबर रेल पटरी का काम तो हो गया, मगर जो जरूरी 1 नंबर रेल पटरी था उसका काम बाधित क्यों है। उन्होंने निर्माण काम के फेज पर मांग की, नक्शा मंगवाया गया मगर नक्शा फाइनल वाला नहीं था। उन्होंने बातचीत में कहा कि यह मिसमैनेज है। उन्होंने कहा कि 5 दिन बाद संरक्षा आयुक्त का दौरा है मगर सरफेस भी ठीक नहीं किया गया। निरीक्षण के बाद वे ट्रॉली से मंडल मिश्र होल्ट की ओर निकल गए। कहा कि जो भी गड़बड़ी है उसे अविलंब ठीक कर लिया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।